हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में भी प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग अलग स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज ऑफ प्लांट सेल एंड सेकेंड स्ट्रक्चर इज ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल, तो फर्स्ट वी कम्स ऑन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ये साइज में स्मॉलर होती हैं इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक सेल का साइज काफी छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटरनल कवरिंग का फॉर्मेशन करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरनल कवरिंग का फॉर्मेशन करती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जो फैल भी सकती है और सिकुड़ भी सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इस सेल वॉल के चारों ओर एक ग्लाइको कैलिक्स की लेयर प्रेजेंट होती है। ग्लाइको कैलिक्स, ये ग्लाइको कैलिक्स की लेयर कुछ प्रोकैरियोट्स में पतली होती है और कुछ प्रोकैरियोट्स में ये थिक होती है। जो थिन ग्लाइको कैलिक्स की लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सिलाइन लेयर। और जिन प्रोकैरियोट्स में ग्लाइको कैलिक्स की लेयर थिक होती है तब इस ग्लाइको कैलिक्स की लेयर को हम बोलते हैं कैप्सूल। तो ग्लाइको कैलिक्स की लेयर थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है। थिन है तो इसको हम बोलेंगे सिलाइन लेयर, और अगर थिक है तो इसको हम बोलेंगे कैप्सूल। और कैप्सुलेटेड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, मींस एडवर्स कंडीशंस को रोकने के लिए या एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने के लिए कैप्सूल की लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये तीनों लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइको कैलिक्स की लेयर, ये कवरिंग बनाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इन कवरिंग के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म कल आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल होता है जिसके अंदर डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। लिविंग मटेरियल इनसाइड दी सेल, इन्हीं की वजह से सेल, प्रोटोप्लाज्म की वजह से सेल लिविंग होती है। प्रोटोप्लाज्म में डीएनए होता है। ये डीएनए सिंगल क्रोमोसोम कंटेन करता है, सिंगल क्रोमोसोम मीन्स प्रोकैरियोट्स में केवल एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम। और प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं ये 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70S टाइप के। एस मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट। तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप्स के होते हैं। साथ में ही कुछ इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं इनमें, इंक्लूजन बॉडीज में रिजर्व फूड एक्सक्रीटरी मटेरियल स्टोर होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज में
रिजर्व फूड स्टोर होता है, कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जिनमें एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा इसमें कोई दूसरे ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, केवल राइबोसोम्स और डीएनए प्रेजेंट होते हैं। इनका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। अभी आप यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है, इनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, जो डीएनए है ये क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इनका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, इसलिए इनको इसके न्यूक्लियस को हम एक स्पेशल टर्म देते हैं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड टर्म देते हैं, न्यूक्लियोइड। कुछ प्रोकैरियोट्स में इस डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है, ये सब में नहीं होता है, कुछ ही प्रोकैरियोट्स में होता है, और इस एक्स्ट्रा डीएनए को हम टर्म देते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के अंदर कुछ स्पेशल जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है जो इस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस बनाएगा। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसके मेन क्रोमोसोम में नहीं होगा, कहां पर होगा, प्लाज्मिड में। इनके इनमें जो वाइटल एक्टिविटीज चलती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, उन वाइटल एक्टिविटीज के लिए जो एंजाइम्स का फॉर्मेशन होना होता है, वो एंजाइम्स बनाने के लिए इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीसोसोम, और ये मीसोसोम बनता है बाय द इनफोल्डिंग। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर की ओर फोल्ड कर रही है, तो बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, तो बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स मीसोसोम्स आर फॉर्म्ड, और इस मीसोसोम्स में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, और ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं इन रेस्पिरेशन, इन सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन एटसेट्रा, कई सारे जो वाइटल एक्टिविटीज होती है जिनमें एंजाइम्स की जरूरत होती है, वो एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है इनसाइड द मीसोसोम्स। कुछ प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल का एक एक्सटेंशन भी होता है, इस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं फ्लैजला, फ्लैजला। ये फ्लैजला बेसिकली तीन पार्ट का बना हुआ होता है, सबसे नीचे इसमें एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बेसल बॉडीज, इसके बाद सेल वॉल वाली जगह पर ये कुछ कर्ड होता है, इस कर्ड पोर्शन को हम बोलते हैं हुक, और उसके आगे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजला। तो ये फ्लैजला एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक एंड पर भी हो सकते हैं, दोनों एंड पर भी हो सकते हैं, पूरी बॉडी में भी हो सकते हैं, तो इनका नंबर और अरेंजमेंट वेरिएबल होता है। और फ्लैजला का काम होता है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल को मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं, मींस लोकोमोशन जो प्रोकैरियोटिक सेल का होगा वो फ्लैजला के वजह से होगा। कुछ प्रोकैरियोट्स में मूवमेंट के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं सिलिया, ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं सिलिया। ये सिलिया भी लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिलाई, पिलाई। ये सिलिया जो थे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे, और पिलाई ये ट्यूबलर स्ट्रक्चर है, दोनों स्मॉल स्ट्रक्चर है, दोनों स्मॉल स्ट्रक्चर है। और इसी की तरह
इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है जो हार्ड होते हैं, इनको हम बोलते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री, ये फिम्ब्री हार्ड होते हैं और फिम्ब्री का काम होता है अटैचमेंट प्रोवाइड कराना। होस्ट सेल से या किसी सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट प्रोवाइड कराते हैं फिम्ब्री। सिलिया, ये लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करते हैं। पिलाई, ये पिलाई जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, जैसे प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने के काम आते हैं। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, इसलिए ये जेनेटिक मटेरियल को एक प्रोकैरियोटिक सेल से दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल में ले जा सकते हैं। तो ये आउटडोर टाइप के स्ट्रक्चर है। फ्लैजेला जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, पिलाई जो जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में हेल्प करता है, सिलिया जो लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है, और फिम्ब्री जो अटैचमेंट में हेल्प करता है। दिस इज ऑल अबाउट ए प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ कम्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, एनिमल सेल और प्लांट सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, उन डिफरेंस के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं प्लांट सेल का। प्लांट सेल की सबसे बाहर की जो बाउंड्री होती है ये कहलाती है सेल वॉल, और ये हार्ड लेयर होती है। हार्ड लेयर, सेल वॉल हार्ड लेयर होती है, जिसकी वजह से प्लांट सेल्स एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर दूसरी लेयर थिन और इलास्टिक होती है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के सेल और नेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट वी कम्स ऑन वैक्यूल। वैक्यूल, ये वैक्यूल सबसे बड़ा ऑर्गन होता है प्लांट सेल का, ऑर्गेनेल होता है प्लांट सेल का। वैक्यूल के अंदर रिजर्व मटेरियल या स्टोर्ड मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल सेप। सेल सेप, सेल सेप, सेल सेप। एक्स्ट्रा मटेरियल जितना भी होता है प्लांट सेल इसमें स्टोर कर देता है, या एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है वो सब इसमें स्टोर कर देते हैं प्लांट सेल। और इसके अलावा न्यूक्लियस होता है, जो बताया है वेल ऑर्गेनाइज होता है, इसमें सबसे बाहर की ओर डबल लेयर की बनी हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड भरा रहता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और उसके अंदर क्रोमोसोम्स थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं, और एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में केवल डीएनए प्रेजेंट था या क्रोमोसोम प्रेजेंट था, जबकि इसके न्यूक्लियस में चार स्ट्रक्चर हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म जो लिक्विड लाइक मटेरियल है, तीसरा क्रोमैटिन थ्रेड, और चौथा न्यूक्लियोलस। इससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से स्मॉल पोर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इन न्यूक्लियर पोर्स से मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वर्ड आया प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम डिवाइड करते हैं इनटू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म एक पूरा स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस को उसमें से कम कर दें तो ये बचा हुआ स्ट्रक्चर कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, साइटोप्लाज्म के कुछ मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जा सकते हैं और न्यूक्लियस से कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं। इसके अलावा
प्लांट सेल में ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स, राइबोसोम। इनमें जो राइबोसोम होंगे ये 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं। प्लांट सेल में 80S टाइप के, यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं, या प्लांट सेल में, एनिमल सेल में 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ राइबोसोम और प्रेजेंट होते हैं जो 70S टाइप के होते हैं। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल या यूकैरियोटिक सेल में दोनों तरह के राइबोसोम होते हैं, 70S टाइप के और 80S टाइप के। 70S टाइप के राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में प्रेजेंट होते हैं, जबकि 80S राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। तो 70S राइबोसोम केवल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जबकि 80S राइबोसोम फ्रीली सस्पेंडेड रह सकते हैं इनटू साइटोप्लाज्म, या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो सकते हैं, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो सकते हैं। इनके अलावा कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं, कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं जिनमें रिजर्व फूड स्टोर होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं। राइबोसोम बिन नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मतलब राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी आपने राइबोसोम देखे थे, इनमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। तो राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, बाकी सारे ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये प्लांट सेल के बाद आते हैं ऑन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल इनमें नहीं होता है, इसलिए इनकी सेल्स को अगर हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में रखें तो ये फूल कर बर्स्ट कर सकती है। लेकिन अगर प्लांट सेल को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये बर्स्ट नहीं करती, क्योंकि ये सेल वॉल की वजह से ओवर एक्सपेंड नहीं कर सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जिस प्रोटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, और इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम एनिमल सेल में सेल डिवीजन कराने में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस सिमिलर टू प्लांट सेल होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिन थ्रेड प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होगी दोनों में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम 80S 80S 70S किसमें होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं इन यूकैरियोटिक सेल्स, जबकि सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं इन दी प्रोकैरियोटिक सेल। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में केवल 70S टाइप के होते हैं, जबकि 80S और 70S दोनों टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इनटू यूकैरियोटिक सेल्स। डिफरेंस में देखें प्लांट सेल और एनिमल सेल में, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं इन दी प्लांट सेल, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स लार्ज होती है इन दी प्लांट सेल, वैक्यूल्स या तो बहुत छोटी होंगी या एब्सेंट होंगी इन एनिमल सेल्स। और सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा इन एनिमल सेल बट एब्सेंट होगा इन दी प्लांट सेल। दीज आर बेसिक डिफरेंस। हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस भी देखे, और प्लांट सेल और एनिमल सेल के भी इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस ऑब्जर्व।